नमस्कार मणिभोज को स्वागत प्रथम देखने हेडलाइंस भारत पर खुशी खबर 2020-21 आर्थिक वर्ष तृतीय त्रैमासिक डीजीपी वृद्धि अक्टोबर डिसेंबर मध्य 0.4% डीजीपी वृद्धि घर हस्पिटाल दिजाव कोरोना टीका राज्य 183 हस्पिटाल को केन्द्र अनुमति मार्च पहलू वयोज्येष्ठ को टीका घोषणा पर दिल्ली को चिठी लिखिते सरकार राज्य में नुआ स्ट्रेन को नहीं बढ़ला सतर्कता। आज विशेष जरिए भारतीय खेल मेलार उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। शिशुर मनर विकास में सहायक होता है खेलना। फेब्रुआरी 27 मार्च 2 पर्यंत चलो मेला। खरापाई सकाल स्कूल ग्रीष्म प्रवाह को देखी बदलला टाइम। 7-9 जाए स्कूल जी नवम एवं एकादश श्रेणी छात्र छात्री। 9-1 जाए दशम एवं द्वादश श्रेणी पिलांक पाठपढ़ा। बढ़ला निर्वाचन विगुल 4 राज्य गोटे केन्द्रशासित अंचल 824 विधानसभा सीट पर तारीख घोषणा। 27 मार्च भोट मे 2 फलाफल। पश्चिमबंग 8 पर्याय मतदान अनलाइन नामांकन। ओलास सेना पर प्रदीप प्रधान डेथ मिस्ट्री। हाथ भांगी भी गछरे चढ़ी केमी कले आत्महत्या बढ़ला सन्देह। कुजंग पंकपाल मद दोकान सेल्समैन थे प्रदीप। ओलास मृत्यु सह रही कि कनेक्शन। जुआड़े जीव पिपिली उपनिर्वाचन पूर्व नुआ राजनैतिक समीकरण काम देलानी। मुख्यमंत्री 68 कोटी प्याकेज। नुआ शासन पंचायत में दल समर्थित सरपंच प्रार्थी विजय पर बीजेपी क्यांप्रे उत्साह। भारत पर खुशी खबर महामारी कोरोना सत्वे वृद्धि पाई भारतर जीडीपी बा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2020-21 आर्थिक वर्ष तृतीय त्रैमासिक अर्थात गत वर्षर अक्टोबर डिसेंबर मध्य 0.4% जीडीपी वृद्धि पाई जमापड़े। यार अर्थ भारतर अर्थव्यवस्था खूब शीघ्र मांदा अवस्था उद्धार पाइबाक जाउछे। महामारी जनित मांदा अवस्था सत्वे बढ़ी भारतर जीडीपी 2020-21 आर्थिक वर्षर तृतीय त्रैमासिक भारतर जीडीपी 0.4% वृद्धि पाई। शुक्रवार दिन न्यासनाल स्टाटिस्टिकाल अफिस् जारी कर तथ्य फलप्रद हो आर्थिक अभिवृद्धि केन्द्र सरकार नहीं पदक्षेप। भारत पर खुशी खबर महामारी कोरोना सत्वे वृद्धि पाई भारतर जीडीपी बा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2020-21 आर्थिक वर्षर तृतीय त्रैमासिक अर्थात गत वर्षर अक्टोबर डिसेंबर मध्य 0.4% जीडीपी वृद्धि पाई जमापड़ी। यार अर्थ भारतर अर्थव्यवस्था खूब शीघ्र मांदावस्था उद्धार पाइबाक जाउछि। महामारी और लॉकडाउन जो प्रथम और द्वितीय त्रैमासिक जीडीपी कमी बेले तृतीय त्रैमासिक वृद्धि पाइबा एक उल्लेखयोग्य घटना बोली कहुची। ए बाबदे शुक्रवार दिन सूचना जारी करिछि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बा एनएसओ। तबे जारी होइतबा तथ्यरु जणापड़िछि 2019-20 आर्थिक वर्षर एही तृतीय त्रैमासिक आर्थिक अभिवृद्धि रहितला 3.3%। महामारी जनित मांदा अवस्था जो 2020-21 आर्थिक वर्षर प्रथम और द्वितीय त्रैमासिक अर्थात एप्रिल जून और जुलाई सेप्टेम्बर मध्यरे जीडीपी ह्रास पाइथिला। से अनुसार एहाकु वैशेषिक मांदा अवस्था बा टेक्निकल रिसेशन बोली कहुचौथिला। तेणु से ही अनुसार तृतीय और चतुर्थ त्रैमासिक जीडीपी रे 8% ह्रास पाइबोली पूर्वरु आशंका करा जाउथिला। तबे आर्थिक मांदा अवस्था मुकुलिबा पई इतिमध्यरे केन्द्र सरकार को तरफ रु निया जाइथिबा विभिन्न समय उपयोगी पदक्षेप जोगु जीडीपी वृद्धि पाइबोली अनेक आर्थिक संस्था पूर्वानुमान लगाइथिले। एपरिकि भारतीय रिजर्व बैंक तरफ रु गत डिसेंबर जारी होइथिबा स्टेट अफ द बुलेटिन रे देशर अर्थव्यवस्था सुधुरिबो बोली संकेत दिया जाइथिला। एबे जीडीपी ह्रास पाइबा बदलने सामान्य वृद्धि घटिथिबारु भारतर अर्थव्यवस्था खूब सुधुरिछि एवं केन्द्र सरकार नेतिबा पदक्षेप गुडिक फलप्रद हेउछि बोली कहा जाइछि। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सेपटे कोरोना माड़ देशर अर्थनीति मुकुलुथिबार आउ एक संकेत मिलिछि। देशर विदेशी मुद्रा भंडार 16.9 कोटी डॉलर वृद्धि पाइछि। देशरे विदेशी मुद्रा भंडार रे वृद्धि देशर आर्थिक स्थिति को दर्शाई थाए। भारतीय रिजर्व बैंक फेब्रुआरी 19 पर्यंत देशर विदेशी मुद्रा भंडार संपर्क में तथ्य जारी करछे। आरबीआई द्वारा जारी तथ्य अनुसार देशर विदेशी मुद्रा भंडार रे फेब्रुआरी 19 सुधा 16.9 कोटी डॉलर वृद्धि सह 583.87 अरब डॉलर रे पहुंचे। आरबीआई रो रिपोर्ट अनुसार विदेशी मुद्रा सेट वृद्धि जगो देश में विदेशी मुद्रा भंडार रे वृद्धि परिलक्षित होछे।
बाजिला निर्वाचनी बिगुल चार राज्य एवं गोटे केन्द्र शासित अंचल पाई घोषणा हला निर्वाचन तारीख आसाम पश्चिम बंग तमिलनाडु पुडुचेरी एवं केरल हेब विधानसभा निर्वाचन पश्चिम बंगरे 8 पर्यायर हेब मतदान केरल तमिलनाडु एवं पुडुचेरी एप्रिल 6 हेब मतदान गोटे पर्यायर 2 राज्य एवं गोटे केन्द्र शासित अंचल पाई वोट देबे मतदाता आसाम रे 3 पर्यायर हेब निर्वाचन मे 2 रे हेब सबु राज्य निर्वाचन रो फलाफल प्रेसमिट्रे मुख्य निर्वाचन कमिशन का पक्ष रु सूचना दिया जाय छे। जनरल इलेक्शन टू असेंबली ऑफ तमिलनाडु टू 2021 ऑल इलेक्शंस टू 38 डिस्ट्रिक्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज शैल बी हेल्ड इन अ सिंगल फेज एज फॉलोस। Issue of notification 12th March. Last date of nomination 19th March. Last scrutiny of nominations 20th March. Last date of withdrawal of candidature 22nd March. Date of poll 6th April. If it is not clear to anybody, I can read it again. नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए भारतीय खेलना मेला उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिशुर मनर विकास रे खेलना एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिबा बेले ताहा मनस्तात्विक एवं बोधशक्तिर विकास मध्य करथाय। मन की बात जरिए प्रधानमंत्री कहिथिले जे खेलना केवल कर्म प्रवण करे नाही बरम आकांक्षा को मध्य प्रोत्साहन देथाय। खेलना शिशुर सामग्रिक विकास रे सहायक हेउथिबारु प्रधानमंत्री भारत रे खेलना तयारी उपर गुरुत्वारोप करिसेंते। प्रधानमंत्री दूरदृष्टि फलस्वरूप भारत खेलना मेला 2021 आयोजित होगी। मेला फेब्रुआरी 27 रु मार्च 2 तारीख मध्य आयोजित हो। कोरोना नुआ स्ट्रेन को नहीं राज्य सतर्कता 12 राज्य में फेब्रुआरी जहाँ रही कि फेरुवा प्रवासी कड़ा नजर रखते राज्य सरकार। रेल स्टेशन एवं एयरपोर्ट स्क्रीनिंग बाध्यतामूलक कर राज्य में वर्तमान दैनिक पाखापाखि 100 छुई पॉजिटिव को संख्या 24 घंटे बलांगीर जनकर कोरोना रे मृत्यु होइतबा जना पडछ। राज्य रे बढ़िला कोरोना भय रेल स्टेशन एयरपोर्ट रे सतर्कता 12 राज्य रु फेरुतिबा प्रवासी को स्क्रीनिंग बाध्यतामूलक स्वास्थ्य विभाग रे निर्देश परे विमान बंदर रे महाराष्ट्र केरल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पंजाब पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ कर्णाटक दिल्ली तेलंगाना मध्यप्रदेश चंडीगढ़ भली राज्यरु आसुतिबा यात्रीको स्क्रीनिंग कडाकडी करा जाउची। जेउ व्यक्तिको निकटरे किछि पॉजिटिव लक्षण रहिछि सेमानकु संगे संगे आइसोलेशन रे नेबाकु निष्पत्ति निया जाइछि। वर्तमान प्रतिदिन राज्य बाहरु प्राय 4000 यात्री ओडिसा आसुचंती। भुवनेश्वर विमान बन्दरकु प्रतिदिन प्राय 32 विमान जास करुचंती। राज्य सरकारको निर्देश परे 12 राज्यरु ओडिसा आसुतिबा लोकंकु उपरे बेसी नजर रखा जाउची। पूर्वरु एयरपोर्ट रे स्क्रीनिंग डेस्क होइतिला आजिठारु भुवनेश्वर रेल स्टेशन रे 3-4 स्क्रीनिंग डेस्क करा जिवो। एहा स गोटिए टेस्टिंग सेंटर मध्ये रहिबो। जेउ मानकर लक्षण देखा जिवो संगे संगे सेमानक सेठारे ही एंटीजेन टेस्ट करा जिवो। रेलवे स्टेशन रो प्रवेश ओ प्रस्थान गेट रे करा जिवो ही स्क्रीनिंग सेंटर। तबे बस स्टैंड रे स्क्रीनिंग डेस्क करबा नै ए पर्यंत कोनोसी निष्पत्ति होइ नै। व्हेवर द फ्रॉम द 12 स्टेट्स हु आर अफेक्टेड पर्टिकुलरली महाराष्ट्र केरला एंड अदर रेस्ट ऑफ द स्टेट्स so once they come they will be screened by through thermal screening. If anybody found positive they will be taken they will be put in the isolation and they will follow as per the state protocol. From airport authority of India side whatever support required for them we are providing. Bus stand upare abe kichi e badhiya arrangement kara hai ni but gulai request e badhiya bi asuchi. We are also thinking ki jo alga rajya re bus asuchanti आमार अलगा राज्य ये बढ़िया ना कि बहुत वेरी लिमिटेड स्टेट्स अच्छा जहाँ टू डायरेक्ट बस आसे सो दैट्स हाउ वी आर थिंकिंग बट एज ऑफ नाउ से भितर किसी डिसीजन नहीं आई। ओडिशा रे पॉजिटिव संख्या दैनिक 100 मुहा है नुआ संक्रमण 24 घंटा रे 99 नुआ रोगी चिन्हट होइतबा बेले बलांगीर रु जनक जीवन जाइछि। संबलपुर जिला रु सर्वाधिक 14 जन नुआ संक्रमित चिन्हट होइतबा बेले खोर्धा ओ बालेश्वर रु 9 लेखाय अछन्ति। महाराष्ट्र रे स्थिति उत्कट थिबारु ओडिसा को बॉम्बे फेरंतांको उपरे अधिक नजर रखा जाइतिबा कहिसेंति स्वास्थ्य मंत्री नव दास।
खास करी भुवनेश्वर झारसुगुड़ा विमानबंदर समेत राज्यर समस्त रेलवे स्टेशन रे टेस्टिंग पाई स्वास्थ्य विभाग पक्षरु निर्देश दिया जायछि। गणतांत्रिक देश रे सरकार गाइडलाइन तयारी करे ताकु मानिवार दायित्व होची जनसाधारण कर एवं आपन जानिछंती आमर सरकार सबु समय रे माय डिपार्टमेंट सबु तंगरे लोकों के अपील करछंती जे मास्क परिधान करंतु आपन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करंतु सैनिटाइजेशन करंतु। देशर दिनकरे 15,000 उपरे पॉजिटिव ग्राफ छुईची। स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार गत 24 घंटा रे 16,738 नुआ आक्रांत चिन्हट होइछंती और 138 जनकर प्राणहानि घटिछि। भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती सह सुशांत साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कुजंगरे उल्लास जेना मृत्यु पर जहाँ सूचना रही कि से समान मद दोकान आउ जन सेल्समैन प्रदीप प्रधान मृत्यु को नहीं बढ़ला सन्देह। सन्देहजनक भाव प्रदीप मृतदेह एक गचर झुलुवा अवस्था उद्धार होता कहगला आत्महत्या कर प्रदीप। तेज प्रदीप गोटे हाथ भांगी भी गचरे चढ़ी आत्महत्या केमी कले प्रश्न कर उल्लास जेना हत्याकांड प्रदीप मृत्युर किसी कनेक्शन ना तो उल्लास जेना प्रदीप डेथ मिस्ट्री गोटे मद दोकान दुई सेल्समैन मृत्यु सस्पेन्स पुणा केस को नहीं कुजंगे बढ़ला चर्चा भंगा हाथ में जड़े गच्छे चढ़ी किभली कले आत्महत्या ये हूँ कुजंग अपंदरा पंचायत नुआ गाँव प्रदीप प्रधान उल्लास जेना जो मद दोकान काम करुले ये भी से ही मद दोकान कर्मचारी 2017 प्रदीपकर होता सन्देहजनक मृत्यु प्रदीपकर गोटिया हाथ भांगी जाता हेले आश्चर्य कथा गच्छ चढ़ी से किभली आत्महत्या कले से किभली चढ़िले गच्छ ना ये एक प्री प्लान मर्डर घर लोके भी 3 वर्ष पर मृत्यु को नहीं सन्देह प्रकाश कर बो कौन गले ना बाहर को उठिक आइले तीन टा कि 4 खंडे राति हम तक ब्याग से ग्रिल घर पाखे थुआ है बो कहले कि मो पु आसे कुआडे गला मत जाकि डाकिले कह आज आसीआर था कहली ना मुझे जानी आसीआर कथा कौन थे आम सब राति सारा खोजी खोजिकी आईलुनु सका देख ला बेलू से आंब गचर झुलुंती केमी मैं कौन कले आम जानू कि टा कथा आम कि जानू ना से केवे भी घर टा कथा कहती मत डाउट लगे जार हाथ भांगी जाए गचर चढ़ला किमी तपर मिछरे समस्ते कहले मद काउंटर मद आनी प्रमाण कौन जदि से मद पे मिछरे कहीं देते पैसा देकर तुम्हें कथा मिछ कह बिलकिर हाँ हाथ भांगी जे कि से ड्रेस भी पिंधि पारती ना हाथ को पटिक भात भी गंडे खाया नहीं पारती मुझे खुआई दिए हाँ गच चढ़ले हाँ असंभव लगला 4 दिन आगु आसिकिरी घरे मेडिकल जा औषध पत्र आनी जाए दुकान को आसनी घर को आसी आखिर आम कौन से देखी आम देख लु सका से घटना को चापी दि जा घर लोकों अभोग अनुसार से मद दोकान मालिक भी संपुक्त टंका प्रलोभन देखा एफआईआर नकरिबा को कहिले एबे बड़ प्रश्न काहिके टंका प्रलोभन देखागला ये आत्महत्या ना हत्या उल्लास मृत्यु सह प्रदीप मृत्युर किछि संपर्क नाही तो काहिके तदंत कला नाही पुलिस पुरुणा फाइल रो पुलिस करिबो कि रीओपन तबरे आमे फांडी रे एफआईआर देलु से माने आसीले पोस्टमार्टम करा नेले से माने पुणी ताको मालिक भी आसीले आसीकि एठी बसिले गां लोक सब गले बसिले बसिकि ता कहिले जे आमे किछि तुम पिलानारे सहाय करू तुम आज किस बास जाओ ना ताको भरसा के रही गलु से किसी दे असंभव असंभव गचर चढ़ा असंभव 2016 रे उल्लास जेना को हत्या 2017 रे प्रदीप प्रधान को मृत्यु रहस्य गोटिए मद दोकान रो दुई कर्मचारी को मृत्यु एबे रहस्य घेर रे किए ये घटना रो मास्टरमाइंड कहीं के पुलिस ताकु धरु नाही ना ये घटना को मिलीमिशी चापी देवार षड्यंत्र कुजंगरु कैमरा पर्सन टुना मंडल को सह संतोष जेना का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कड़े जीव पिपिली दिन कईटा पर एठी उपनिर्वाचन होगाक बेले नुआ शासन पंचायतर उपनिर्वाचन फलाफल बीजेडी शिविर में कंपन आनी सबु गणति को भूल प्रमाणित करी बीजेपी समर्थित प्रार्थी एठी बीजेडी समर्थित प्रार्थी को मादे विजय बना उड़ाई तबे चर्चा हो सरपंच उपनिर्वाचन ठीक गोटे दिन पूर्व पिपिली 68 कोटी पैकेज घोषणा करते भी
କାମ ଦେଲାନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଥୋପ। ସରପଞ୍ଚ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ କର୍ମୀଙ୍କ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ। ଝୁମୁଛନ୍ତି କର୍ମୀ, କମ୍ପୁଛି ପିପିଲି ନୂଆ ଶାସନର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ତେବେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କି ଦଳର ଚିହ୍ନ ନଥିଲେ ବି ଏ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଆଣିଛି ବଡ଼ କମ୍ପନ। କାହିଁକିନା ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପିପିଲିରେ ହେବ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ। ନୂଆ ଶାସନ ସରପଞ୍ଚ ଉପନିର୍ବାଚନ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନର ସଙ୍କେତ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବିଜେଡିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆ ଶାସନରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବିଜେଡିର ପିପିଲି ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଶାସକ ଦଳର ସବୁ ଗଣିତକୁ ଏଠି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ। 82 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ସୌମ୍ୟ ମାତ ଦେଲେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ। ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଯୁବକ ସାଥୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଡକରାରେ ଏଠି ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଆଉ କୌଣସି ଏଠି କଳାଧନ ତାଙ୍କର କାମ କରିନି। ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏଠିକି ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଏଠି ଲଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତାପ ଦେବ ବି ଆସିଥିଲେ, ସମୀର ମହାନ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ସମୀର ଦାସ ଆସିଥିଲେ, ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମା ସାନ୍ତରା ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏଠି ବହୁତ କଳାଧନ ଏଠି ବଣ୍ଟାଯାଇଛି, ମଦ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଠି ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ନୂଆ ଶାସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା 24 ତାରିଖରେ। ତେବେ ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ 23 ତାରିଖରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲିରେ ପିପିଲି ପାଇଁ 68 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରଗତି ପଥେ ପିପିଲିର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ହୋଇଥିଲା ବିରାଟ ଆୟୋଜନ, ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ତେବେ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଲଲିପପ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ନୂଆ ଶାସନ ଲୋକେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହାର ଫଳାଫଳ ପିପିଲି ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅନେକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଏ ବିଜୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 70 କୋଟି ଏର ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ ଭୋଟରକୁ, ତା ଭୋଟର ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲୁ, ଭୋଟର ଆଜି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହେଲା 68 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ରୀତା ସାହୁ ବେଳେ ବି ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା, ଯେତେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ଏମିତି ଆଙ୍କର ଫାଙ୍କା ହେବା, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଜେପିକୁ ଜିତେଇଲେ। ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ହୋଇ ରହିଛି ପିପିଲି। 2000 ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜିତି ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, କିନ୍ତୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମହାରଥୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି, ଦଳର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ବି ବଢ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ବିଚଳିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛି ବିଜେପି ଶିବିର। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଫେବୃଆରୀ ସରିଣି, ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ନାକେଦମ କଲାଣି, ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲଗାତାର 2 ଦିନ ହେବ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 39.4 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଫେବୃଆରୀ 9 ସରୁଣୁ ବଢ଼ିଲାଣି ଖରା କଷ୍ଟ, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲାଣି ପାରଦ। କଥାରେ ଅଛି ମାଘ ମାସରେ ବାଘ ଭଳି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ତ ଦୂରର କଥା, ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ 39 ପାର ହୋଇଗଲାଣି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଦିନ 10ଟାରୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଲାଣି। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି ରେକର୍ଡ କରି ଆସୁଥିବା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଦେଶର ରେକର୍ଡ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 39.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହେଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏବେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିରେ ବିଶେଷ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍କା ବାବୁ ସେ ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଫ୍ଲୋ ହେ
तो एंटीसाइक्लोनिक फ्लो से सब्सिडेंस मोशन एयर का होता है, तो एयर में एयर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसमें एयर टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ये दो जो वजह है हमारा सोलर हीटिंग इंक्रीज, एयर टेम्परेचर, एयर का कॉन्ट्रैक्शन, ये दो जो कारण है मेनली, ये दो कारण में ही डे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। बट हमारा ड्राई एयर भी है तो ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो इसके वजह से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी नहीं है, ओनली दोपहर टाइम में ही थोड़ा डिस्कम्फर्टनेस हीटिंग का वजह से है। बाकी आप देखा जाए तो ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस भी ज़्यादा है, डायरेक्शनल वेरिएशन ज़्यादा है। मैक्सिमम जैसे हमारा 39.4 था, मिनिमम 17.0 था, तो इसमें आपका लगभग 22 ये है, तो इसमें ह्यूमिडिटी का वजह कम, बहुत कम होने से इसका हो रहा है, स्वाभाविक से कम है ह्यूमिडिटी। सेपटे राजधानी रे लगातार ताती वृद्धि को लेकर बीएमसी पक्षरु विभिन्न पदक्षेप आलोचना करा जाइछि। मार्च 15 सुधा विभिन्न एनजीओ मानक द्वारा रास्ता कड़े जलछत्र खोलिबा को कहिछन्ति बीएमसी कमिश्नर। सेपरे आवश्यक अधिकारी मानक नै एक कंट्रोल रूम खोला जिवो बोली से कहिछन्ति। एहा सह पार्क खोला स्थान एवं जनगहलीपूर्ण हाट बाजार बस स्टैंड आदि स्थान रे पर्याप्त पानी जलर व्यवस्था सह अचल वाटर एटीएम गुड़ी को सचल करबा को निष्पत्ति निया जाइछि। नहीं नहीं, वाटर एटीएम डिफंक्ट अवस्था रे नहीं, गोटे दुईटारे प्रॉब्लम अच्छे, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इश्यूज थिला, बट अदर वाटर एटीएम्स रे पानी एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि देर आर सम प्लेस जो जगह रे यूजेबिलिटी बहुत कम अच्छे। दुईटा लोकेशन आम कल जितेबाड़े डिस्कसन करूँ, दुईटा लोकेशन आसी कि जो जगह इलेक्ट्रिकल इश्यूज कि अच्छी, सो इट हैज बीन डिस्कस्ड एंड बीएमसी इंजीनियरिंग बीन ताको बहुत शीघ्र ठीक कर। पाणिपाग केन्द्रर सूचना अनुसार एही समय भुवनेश्वर तापमात्रा सर्वाधिक स्वाभाविक तापमात्रा 32-33 डिग्री मध्यरे रहिबा कथा। सेभळी रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 20-21 डिग्री मध्यरे रहिबा कथा, किंतु एबे एहा 17 डिग्री रहिछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन जितेन्द्रक सह कविता स्वाईं रिपोर्ट अर्गस। पवित्र माघ पूर्णिमा अवसर में आज श्रीमंदिर से श्रीजी गज उदाहरण बेश अनुष्ठित हेबो। एही बेशरे श्रीजगन्नाथ चतुर्भुज होई शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण करी ठाकुर गरुड़ उपरे बसिबा भंगीरे थाई लक्ष्मी प्रतिमा को कोलरे धारण करिवे। श्री बलभद्र चतुर्हस्तरे शंख चक्र हल मुसल धारण करी वासुदेवंक रूपरे विराजमान करिवे। सेहीपरि देवी सुभद्रा श्रीकृष्णक सदृश पाद छंदि एक पद्म कढ़ धरी श्रद्धालुंकु दर्शन देवे। मध्याह्न धूप परे श्रीमंदिर रत्न सिंहासन उपरे महाप्रभुंक ए बेश अनुष्ठित हेब। संध्या धूप परे ठाकुरंकु खीरी एवं अमालु भोग कराजिबो। परारीक कथावस्तु अनुजाई एकदा वरुण ह्रदरे गजराज स्नान करुथिबा बेले कुंभीर तांकु आक्रमण करथिला। गजराज क्षतविक्षत अवस्थारे विकल होइ उद्धार पाइ भगवानकु प्रार्थना करथिले। भक्तर डाकु सुनि ठाकुर कुंभीर कबलरु गजराजंकु उद्धार करथिले। सेहि स्मृतिरे शह शह वर्ष धरि ठाकुरंक हि गज उदाहरण बेश श्रीमंदिर अनुष्ठित हो आसुछे। समस्त सारी बुलेटिन रखा अधिक आपन विजिट करें वेबसाइट अर्गस न्यूज। नमस्कार।